नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, ये जो स्कॉर्पियो एमहाक है, इसमें पिकअप प्रॉब्लम आ गया है। गाड़ी को जब स्पीड में भगाते हैं तो स्पीड नहीं पकड़ रहा है। वैसे तो पिकअप न लेने के बहुत से वजह हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके डीजल फिल्टर को बदलेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डीजल फिल्टर कैसा लगा है और कैसे बदला जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कपलर को निकालेंगे। इस कपलर को ऐसे दबाएंगे और कपलर बाहर आ जाएगा। इसे ऐसे दबाते हैं। इसके बाद इस बेंजो बोल्ट को खोलेंगे और इन दोनों बोल्ट को भी खोलेंगे। दोस्तों, बेंजो बोल्ट को 19 नंबर टूल से ऐसे खोल देंगे। दोस्तों, मैंने महिंद्रा पिकअप बोलेरो CRDE और TUV 300 और टाटा एस का डीजल फिल्टर चेंज का वीडियो बनाया हुआ है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। और इस बोल्ट को भी 14 नंबर टूल से खोल देंगे। अब डीजल फिल्टर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने से पहले इस सेंसर के कपलर को अलग करेंगे। इसे ऊपर उठाना होता है। ऊपर उठाते ही बाहर खींचने पर कपलर अलग हो जाएगा। इसे ऐसे उठाना होता है। अब डीजल फिल्टर के कपलर को खोल देंगे। ऐसे कपलर को खोल देंगे। और डीजल फिल्टर के डीजल को निकाल देंगे। ऐसे पूरा डीजल निकाल देंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं डीजल निकलने के बाद फिल्टर से कितना कचरा निकल रहा है। ये डीजल फिल्टर बिल्कुल जाम हो गया है, इसी वजह से अच्छे से पिकअप नहीं ले रहा था। यह डीजल फिल्टर बिल्कुल चोक हो चुका है। डीजल फिल्टर से डीजल को अच्छे से निकाल देंगे। दोस्तों, फिल्टर खोलने का बहुत ही आसान तरीका है। इसे जहां से खोले थे उसी जगह उल्टा टाइट करेंगे। ऐसे उल्टा टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, ये सेंसर का ओरिंग है, इसे सेंसर में लगा देते हैं। ये ओरिंग बहुत ज़रूरी लगाना है, नहीं तो डीजल लीकेज होगा। अब डीजल फिल्टर को ऑयल फिल्टर टूल से ऐसे खोल देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा डीजल फिल्टर इसमें लगा है। यह डीजल फिल्टर बॉस कंपनी का लगा है। दोस्तों, मेरे पास ये महिंद्रा कंपनी का डीजल फिल्टर है। इस पर 666 रुपये MRP है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इस फिल्टर पर लिखा है महिंद्रा महले। अब इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले डीजल फिल्टर के ओरिंग पर थोड़ा ऑयल लगा देंगे, जिससे कि खोलने में आसानी होगी और अच्छे से टाइट हो जाता है। और डीजल फिल्टर बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद नए डीजल फिल्टर को ऐसे लगाएंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। फिल्टर टाइट हो जाने के बाद सेंसर को भी यहाँ ऐसे लगा देंगे। सेंसर को ऐसे घुमाकर टाइट कर लेंगे।
अच्छे से टाइट हो जाने के बाद अब फिल्टर के दोनों बोल्ट को खोलेंगे। और फिल्टर को ऐसे लगाएंगे और सेंसर के कपलर को ऐसे लगा देंगे। कपलर को अच्छे से बैठाएंगे। यहाँ कपलर अच्छे से बैठ गया। कपलर लगा लेने के बाद सेंसर के वायर को नीचे की तरफ करके और फिल्टर बॉडी के दोनों बोल्ट को अच्छे से टाइट करेंगे। बोल्ट को ऐसे अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पाइप है यह मेन पाइप है और यहाँ डीजल फिल्टर बॉडी पर एक तीर का निशान है। इस निशान का मतलब है कि डीजल अंदर की तरफ जाएगा और इधर डीजल फिल्टर बॉडी पर जो तीर दिख रहा है इसका मतलब है कि डीजल बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये वाला पाइप पंप में जाएगा। अब इसके दोनों बेंजो बोल्ट को लगाएंगे। बेंजो बोल्ट में दोनों तरफ वाशर लगाएंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। बेंजो बोल्ट को ऐसे लगा लेंगे। और इसे 19 नंबर टूल से अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों इस कपलर को भी लगा देंगे। ऐसे लगा देना है। यहाँ डीजल फिल्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब डीजल फिल्टर से एयर निकालेंगे। एयर स्क्रू को 10 नंबर टूल से खोल देंगे और वाशर को भी अच्छे से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आराम से पंप करेंगे। ऐसे पंप करेंगे और थोड़ी ही देर में डीजल आ जाएगा। यहाँ डीजल आ गया। जब डीजल अच्छे से आने लगे तभी बोल्ट को लगाएंगे। यहाँ डीजल अच्छे से आने लगा। अब इसके बोल्ट को टाइट कर देंगे। बोल्ट को टाइट करने के बाद एक दो बार और पंप करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करवाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।